बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। कारागार में सुंदरकांड का भव्य आयोजन। बुलंदशहर कारागार में सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र नाथ तिवारी व अपर पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह व जेल अधीक्षक मिजाजी लाल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर किया गया। कारागार के नवनिर्मित बहुउद्देशीय हाल को भव्य तरीके से सजाया गया। सभी महिला व पुरुष बंदियों की इसमें भागीदारी रही। जो बंदी हाल में जगह कम पड़ जाने के कारण बैठ नहीं पाए, उन्हें साउंड सिस्टम के द्वारा उनकी बैरक में ही सुंदरकांड का रसास्वादन की सुविधा दी गई। सुंदरकांड का रसास्वादन हेतु भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया भी शुभारंभ के कुछ देर बाद कारागार पर उपस्थित हुए। सभी महिला व पुरुष बंदियों ने सुंदरकांड के सस्वर गायन में भाग लिया। सभी भाव विभोर होकर पूरे 4 घंटे पाठ करते रहे। बाद में हवन व आरती के बाद सभी बंदियों को प्रसाद उपलब्ध कराया गया। उप कार्यक्रम का आयोजन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, महामंत्री संजय गोयल व नगर प्रभारी संजय सिंघानिया के सौजन्य से किया गया। आज जिला कारागार में भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक नगर श्री एस एन तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक श्री शशांक सिंह के द्वारा किया गया। कारागार में बंदियों को नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक सुधार के दृष्टिकोण से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी महिला और पुरुष बंदियों ने भाग लिया। कारागार में इस आयोजन में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल और उनकी टीम द्वारा के सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका कारागार के सभी बंदियों ने आनंद लिया और सभी बंदियों को हवन और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया।